अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये लिस्ट अपलोड की गई ना आज वेबसाइट के ऊपर, ऐसे कैंडिडेट जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू था, तो जी, रिजेक्टेड अब हैं की लिस्ट अब वो क्या करेंगे अब? रिजेक्टेड हैं, उनकी लिस्ट अपलोड की गई है, उनके स्पेसिफाइड नंबर के ऊपर उनका मैसेज भी आ गया होगा, और जी वो उनके जो नियरेस्ट कॉलेज हैं वहाँ पे जाके जो उनके ऑब्जेक्शन हैं उसको जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि अटेस्टेड कॉपीज अपलोड किए हैं, तो अब फिर वो ओरिजिनल कॉपीज वहां पे जाके चेक करवाएगा उन्हें? हाँ, वो जो ऑब्जेक्शन लगी है उसको अब जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ उनको जाके जस्टिफाई कर लेते हैं, ओरिजिनल भी, और अगर वो जो आपसे डिमांड करें वो भी आप कर दीजिएगा। मीन्स के जो भी करीब नर्सिंग कॉलेज हो वहाँ चले गए, चाहे वो DH की हो या दूसरा कोई कॉलेज हो। जी, और ये इसकी फाइनल लिस्ट कब लगेगी, और ये इसका लास्ट टाइम कब तक है, ये जो रिजेक्शन लगी है इसको अप्लाई करने ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से है, का? डिपार्टमेंट इसको जो है आपको सही बता से नहीं है, हमने टेक्निकल इश्यूज। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वॉइस सुन ली होगी, ये मैंने जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है इन्हें कॉल की थी हेल्पलाइन पे, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका इशू आ रहा है, यानी कि लिस्ट जो आज अपलोड की गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लिस्ट ओपन करें, वहाँ पर जाके अपना नाम ढूंढें। तकरीबन 6,000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिजेक्शन लगी है। आपने अब क्या करना है कि आपका जो भी इशू उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है, आपने अपने करीबी जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ चले जाएँ या DHQ में चले जाएँ, और वहाँ जाके आपने वो चीज़ अपने क्लियर करवानी है। आप जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे तो आपकी जो ये रिजेक्शन लिस्ट में नाम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आपने ये आने वाले 1-2 दिन में आपने कर लेने हैं। आज डेट आपको पता है कि आज 5 मई है, और आप कोशिश करें कि 10 मई से पहले पहले अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरीफाई करवा लें, और जो भी इशू है आपका आप वहाँ पर लिस्ट में चेक कर सकते हैं, और उस इशू को आप वहाँ पर जाके सोल्व करवा लें। थैंक यू।